नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद मंडल की खास खबरों पर। जनपद बिजनौर में डॉक्टर की लापरवाही के कारण मौत का सिलसिला रुकने का नहीं ले रहा नाम। किरतपुर में महिला की डिलीवरी के दौरान एक निजी अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। मुरादाबाद पुलिस ने 5 दिन पहले हुई श्याम लाल सैनी की हत्या का किया खुलासा। उसी के दोस्त ने नशे का सामान न देने पर पत्थर से कुचल कर की थी हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्री चांदपुर के शिवाला कला में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। मृतक जनपद अमरोहा के नौगांव सादात के निवासी, जो मेला देखकर लौट रहे थे घर। कैंटर और कार की भीड़ में हुआ हादसा। मुरादाबाद के प्राइवेट स्कूल में रोंगटे खड़े कर देने वाला हुआ हादसा। LKG में पढ़ने वाली 4 साल की मासूम को स्कूल कैंपस की वैन ने कुचला। नाजुक हालत में मुरादाबाद के निजी अस्पताल में बच्ची को कराया भर्ती। परिजनों का आरोप, टीचर ने पेरेंट्स से बोला झूठ, कहा सीढ़ियों से गिर गई थी बच्ची। नूरपुर में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा थाना परिसर में संभ्रांत व्यक्तियों, चौकीदारों व बीट रक्षा के साथ भूमि विवाद से संबंधित प्रकरणों के संबंध में की गई गोष्ठी। संबंधित को दिया गया आवश्यक दिशा निर्देश। गोष्ठी में उप जिलाधिकारी चांदपुर, राजस्व व संबंधी विभाग के अन्य अधिकारीगण रहे मौजूद। अफजलगढ़ में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड के 78 पंचायत सहित मिट्टी को मिलाकर 2 अमृत कलश बनाए। कालसिंह को लखनऊ और भेजा जाएगा दिल्ली। त्योहारा में परिंदा सोशल वेलफेयर फाउंडेशन नगर कमेटी का किया गया गठन। पूर्व अध्यक्ष अख्तर जलील, पूर्व कांग्रेस नगर अध्यक्ष फहीम चौधरी, हाजी मोहम्मद असलम सहित दर्जनों लोग रहे मौजूद। त्योहारा में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का हुआ समापन। इस दौरान सभी सभासदों व पालिका स्टाफ एवं अन्य समाज सेवियों को सौल उड़ाकर किया गया सम्मानित। धामपुर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद स्थानीय KM इंटर कॉलेज के मैदान पर सामाजिक न्याय संविधान बचाओ संकल्प सभा विशाल रैली को मुख्य अतिथि के रूप में किया संबोधित। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। जिला कांग्रेस कमेटी बिजनौर की मासिक बैठक जिला कांग्रेस कार्यालय पर हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष मुनीश त्यागी तथा संचालन जिला महासचिव नजाकत अलवी ने किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने भारतीय राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक न्याय के पुरोधा, महान समाज सुधारक स्वर्गीय काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बैठक के बाद जिले के कोने कोने से आए कांग्रेस जन जिला कांग्रेस कार्यालय से इकट्ठा होकर जिला उपाध्यक्ष मुनीश त्यागी एवं जिला महासचिव नजाकत अलवी के नेतृत्व में जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टरेट पहुंचे और विभिन्न मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी बिजनौर को दिया।
कांग्रेस जनों ने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को अवगत कराते हुए कहा कि वर्ष 2015 में गणेश प्रतिमा विसर्जन की मांग कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में दिनांक 5 अक्टूबर 2015 को निकाली गई। अन्याय प्रतिकार यात्रा में नामजद 82 लोगों में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय को छोड़कर शेष 81 लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लिया गया, जिसका संदर्भ लेते हुए अपर सत्र न्यायालय वाराणसी MPMLA कोर्ट ने उन 81 लोगों को बरी कर दिया। इससे स्पष्ट है कि सनातन का नाम लेने वाली प्रदेश की भाजपा सरकार न सनातन के प्रति समदृष्टि रखती है और न ही कानून के समक्ष क्षमता पर आधारित विधि के शासन में इसका विश्वास है। इसके लिए सनातन शब्द किसी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध का एक हथियार मात्र है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वाग्रह में लिए गए इस निर्णय के विरोध में जिला शहर कांग्रेस कमेटी बिजनौर घोर निंदा करती है और महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मांग करती है कि उपरोक्त घटना की दोबारा जांच कराकर सभी 82 लोगों पर लगाए गए मुकदमों को वापस लिया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मंत्री आदरणीय अजय राय को न्याय मिल सके। मासिक बैठक में जिले के संगठन को अधिक मजबूत करने के लिए सभी ब्लॉक अध्यक्षों एवं नगर अध्यक्षों को अवश्य निर्देश दिए गए। साथ ही ब्लॉक प्रभारियों एवं विधानसभा प्रभारियों को भी कहा गया कि सभी ब्लॉक और विधानसभा प्रभारी अपने अपने प्रभार क्षेत्र की जिले की हर मासिक बैठक में लिखित में रिपोर्ट देंगे। जो भी नगर ब्लॉक अध्यक्ष निर्धारित दिनांक को अपनी कमेटी की मासिक बैठक नहीं करेगा, उसे स्पष्टीकरण देना होगा। साथ ही सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जो लगातार 2 मीटिंग में नहीं आएगा उसकी रिपोर्ट प्रदेश कमेटी को कार्यवाही हेतु भेजी जाएगी। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। सिहारा में परिंदा सोशल वेलफेयर फाउंडेशन सिहारा की नगर कमेटी का हुआ गठन। पूर्व चेयरमैन अख्तर जलील, पूर्व कांग्रेस नगर अध्यक्ष फहीम चौधरी, हाजी मोहम्मद असलम सहित दर्जनों लोग रहे मौजूद। प्रोग्राम में संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापिका फरहा परवीन ने सिहारा नगर कमेटी का गठन करते हुए मुकेश रिस्तोगी को नगर अध्यक्ष बनाया। साथ ही डॉक्टर यादराम सिंह को उपाध्यक्ष, फिरोज अहमद को महासचिव, वासित अली को सचिव, संजय कुमार को कानूनी सलाहकार और तारिक शमीम को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया। इसी क्रम में महिला प्रकोष्ठ से शाहिन निशा को नगर अध्यक्ष, श्यामला सिंह को नगर उपाध्यक्ष, नादरा कमर को नगर महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी। सिहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज का जो प्रोग्राम रखा गया था परिंदा सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से रखा गया था और आज जो है हम लोगों ने अपने उद्देश्यों के बारे में चर्चा की। जैसा कि हमारा फाउंडेशन का मुख्य कार्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो शिक्षा को बढ़ावा देना है, शिक्षा पर बल करना है। जो गरीब बच्चे हैं और जो ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा लेने में असमर्थ हैं, सक्षम नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उनके माँ बाप उनको शिक्षा दिला सकें, तो हम उस पर वर्क करना चाहते हैं। इसके अलावा समाज में जितनी भी कुरूतियाँ हैं, जितनी भी गलत चीजें हैं, उनको हम रोकने का प्रयास। अफजलगा में मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत विकास खंड के 78 पंचायतों से आई मिट्टी को मिलाकर 2 अमृत कलश बनाए गए, जिन्हें लखनऊ तथा दिल्ली भेजा जाएगा। ब्लॉक के दबाकरा हॉल में आयोजित कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड कार्यालय पर सभी 78 ग्राम पंचायतों से आए मिट्टी तथा चावल के कलशों को मिलाकर 2 अमृत कलश बनाए गए। साथ ही बाकी बची मिट्टी को अमृत वाटिका में बिखेर दिया गया। पंचायतों से एकत्र की गई मिट्टी तथा चावलों के कलशों को ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस के रूप में ब्लॉक कार्यालय कासमपुर गढ़ी पर लाया गया। कार्यक्रम में BDO प्रमोद कुमार वर्मा, CDPO रीता देवी, ADO समाज कल्याण गौरव कुमार सहित सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान एवं सचिव मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख प्रदीप कुमार बबली तथा संचालन ADO पंचायत ललित प्रताप सिंह ने किया। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। मैं प्रमोद कुमार वर्मा, खंड विकास अधिकारी अफजलगढ़। आज हमारे विकास खंड के प्रांगण में मेरी माटी मेरा देश के संबंध में कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारी सभी 78 ग्राम पंचायतों से 2-2 अमृत कलश आए, जिनको हमने मिट्टी और चावल जो थे उसमें उनको एक जगह मिक्स करने किया और मिक्स करने के बाद उनके 2 घड़े तैयार किए गए और जो बाकी हमारी मिट्टी थी वो सम्मानित, उसको हमने एक अमृत वाटिका बनाई है जिसमें हमने 75 वर्ष लगाए हैं, उसमें हमने उन्हें
फैला दिया है, जिससे कि सभी 78 ग्राम पंचायतों के मिट्टी से यहाँ पर जो 78 वृक्ष होंगे वो सबको ऐसा एहसास हो कि हमारे गांव की मिट्टी या हमारे घर की मिट्टी में ये पनप रहे हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। त्योहारा में सरकार के आदेश अनुसार चल रहे खास कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का भव्य समापन नगरपालिका द्वारा मानसरोवर पर हुआ, जहां चेयरमैन फैसल वारसी, एओ विजेंद्र सिंह व अरुण कुमार वर्मा, डॉक्टर विनीत देवरा, समस्त सभासद एवं स्टाफ आदि की मौजूदगी में एकत्र किए गए चावलों व मिट्टी को संग्रहित किया गया। इसके बाद नगरपालिका सभाकक्ष में आयोजित खास कार्यक्रम के तहत जहां मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम पर प्रकाश डाला गया, तो वहीं समस्त सभासदों, पालिका स्टाफ एवं अन्य समाज सेवियों को शाल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर डॉक्टर विनीत देवरा, अरुण वर्मा, डॉक्टर इमरान, सुरेश तोमर, अमित शर्मा, अरविंद वाल्मीकि, सुरेंद्र जोशी, डॉक्टर विनीत देवरा, विनोद तोमर, श्वेत रस्तोगी, अक्रम मेंबर, जब्बार मेंबर, राधे मेंबर, आदेश मेंबर, कदीर मंसूरी, जामिन मलिक, मास्टर खुर्शीद आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन फैसल वारसी व संचालन एओ विजेंद्र सिंह ने किया। सिंहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। धामपुर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि देश में धार्मिक आजादी खत्म की जा रही है, सामाजिक आजादी पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, गरीब को और ज्यादा गरीब बनाया जा रहा है, मगर इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल के प्रति हमदर्दी तथा चिंता तो दिखाई दे रही है, मगर देश में मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को विनाश की ओर जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये पूछने की हिम्मत देश के किसी नेता में नहीं दिखाई दे रही। उन्होंने कहा कि यदि वह संसद सदस्य होते तो मोदी को मणिपुर के मुद्दे पर संसद से भागने नहीं देते। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद स्थानीय केम इंटर कॉलेज के मैदान पर सामाजिक न्याय संविधान बचाओ संकल्प सभा विशाल रैली को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हजारों लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज सरकारी संस्थाएं बेची जा रही है, गरीबों की भूमि पर भाजपा के लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि इजराइल में फिलिस्तीन की भूमि पर कब्जा कर वहां के लोगों को बंधक बनाया था। फिलिस्तीन अपने हक की लड़ाई के लिए अब उठ खड़ी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया था, मगर इसके बावजूद प्रधानमंत्री इजराइल का साथ देने के लिए उसके साथ तो खड़े हो जाते हैं, मगर मणिपुर जल रहा है यह नजारा प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि यदि वह लोकसभा सदस्य होते तो प्रधानमंत्री को मणिपुर मुद्दे पर भागने नहीं देते। उन्होंने मौजूद जनता के बीच नगीना लोकसभा की ऐतिहासिक धरती पर काशीराम को नमन व श्रद्धांजलि देते हुए संकल्प लिया कि वह काशीराम तथा अंबेडकर के अधूरे सपने को मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। मौलाना सज्जाद नोमानी की अध्यक्षता तथा प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश संगठन मंत्री दीपक राणा, प्रदेश सचिव आलोक यादव अब तथा दिल्ली अध्यक्ष महेश कुमार, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष महेश पहलवान राकेश कसाना, राष्ट्रीय महासचिव रविंदर भाटी, झारखंड अध्यक्ष कासिम रजा, बिहार अध्यक्ष जौहर आजाद, प्रदेश संयुक्त सचिव शैलजा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी अमित गुर्जर, राजकुमार सैनी, महासचिव विवेक सेन, अध्यक्ष रवि चौधरी, मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र राणा, अमित पाल, राजेश कुमार, मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सदस्य अमरकांत मनी, विनोद बेनीवाल, मीमला प्रधान शीशराम सुखबीर, प्रधान सुखबीर सिंह हरिद्वार से महक सिंह, सुनील कटारिया, विधानसभा सचिव मीनाक्षी सहित हजारों लोगों की भीड़ मौजूद रही। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। अब खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे अभी तक की खास खबरों के साथ, तो देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।